बाग सेंटर से हूँ। मेरा घर हजारीबाग से बगल 8 किलोमीटर दूरी पर साड़म गांव से है। श्री माता जी से श्री आत्म साक्षात्कार लिए हुए हमें ज़्यादा दिन तो नहीं हुई, लेकिन श्री माता जी की असीम कृपा हम सबों के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे गांव के ऊपर झरने की तरह से बरस रही है। क्या बात है, तालियां। वहाँ श्री माता जी एक रात को हमें बताई कि बेटे, इस जगह पे एक श्री माता जी के मंदिर बनने की जरूरत है, आवश्यकता है। मैंने बोला, माँ हमारे पास तो ज़मीन है, लेकिन हम कहाँ दूँ आपको, ये हमें पता नहीं है। तो माँ वहाँ गांव में जो सारी मंदिरें बनी हुई थी वो जगह दिखाई, बोली बेटे ये आधा हमें दे दो, आधा तुम रख लो। तो वो ज़मीन हमने, श्री माता जी ने हमें सेलेक्ट करके दे दिया। वो ज़मीन हम अपने सहयोगी भाई के द्वारा ले गए। हम कहे भाई आधा ज़मीन श्री माता जी की है, आधा हमारी है। तो आधे ज़मीन को हम लोगों ने सेलेक्ट किया, उस जेसीबी से हमने मार्किंग करा दिया। उसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पास हमने प्रस्ताव रखा कि भैया यहाँ श्री माता जी के मंदिर बनना है, हमारी इच्छा श्री माता जी के है कि यहाँ मंदिर बने। बहुत दिनों तक अनसुनी रही, लेकिन इसी बीच हमारे राजेश भैया वहाँ गए थे सिंगिंग के लिए, गाने के लिए। इनके सामने हमने प्रस्ताव रखा, ये बिना कहे पूछे हमारे गांव गए। उस गांव में जा करके दोनों परिवार थे और हमारे आलोक जी कोऑर्डिनेटर थे, इसकी गलती बिना पूछे चला गया। जी हाँ, गए और इन्होंने जा करके वहाँ चैतन्य दिया। बोले भैया आप लोग मिट्टी का एक सुंदर सा यहाँ ध्यान केंद्र बना लो। बहुत अच्छी चैतन्य आ रही, इन्होंने भी वहाँ चैतन्य दिया। अब ध्यान केंद्र हो गया वहाँ पर। जी हाँ, अभी बन रहा है। तो वो मंदिर वहाँ निर्माण कार्य शुरू हो गया है, ढलैया तक पहुँच चुका है। श्री माता जी के कृपा से वो मंदिर, ये आपके लिए चमत्कार हो गया। आपकी जमीन ले ली और आपकी इच्छा वहाँ पर मंदिर बन गया। जी हाँ। चलो जी, तालियां बजाइए। जी हाँ, बहुत सुंदर बात हो गई। जी हाँ। और दूसरा तो नहीं कोई? नहीं, ज़्यादा नहीं कहना है, बस जय श्री माता जी।